तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमको गिवन है द फॉलोइंग डायग्राम शोज थ्री रजिस्टर्स ऑफ 2 ओम 4 ओम आर ओम कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रजिस्टेंस 3 ओम। अ मेन करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फ्लोज थ्रू द सर्किट। देन हमने फाइंड करना है PD अक्रॉस द 4 ओम रजिस्टर एंड PD अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो एक बैटरी यहाँ पे दे रखी है 2 वोल्ट की, और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, वो दे रखा है हमको 3 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है उसका कुछ अपना रेजिस्टेंस होता है, उसी को हम बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसे हम अगर 2 GB की मेमोरी लें, अगर हम 2 GB का मेमोरी कार्ड लेते हैं तो उसमें हमको पूरा 2 GB नहीं मिलता है, 1.95 के अराउंड मिलता है। तो कुछ क्या करता है, वो सिस्टम खुद ही यूज़ कर लेता है उसको। सेम ऐसा ही यहाँ पर जो बैटरी है वो 2 वोल्ट की तो है, लेकिन इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा वोल्टेज ये बैटरी खुद कंज्यूम करेगी। तो वही वोल्टेज इसमें हमने निकालना है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा R लगा हुआ है ये कितनी वोल्टेज को कंज्यूम करेगा। तो उसका PD क्या होगा वो बेसिकली हमने फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, देखो सबसे पहले इसमें जो करंट हमारी दे रखी है 0.25 एम्पियर दे रखी है, यहाँ पे ऊपर की तरफ कुछ करंट चली जाएगी, नीचे की तरफ कुछ अलग करंट चली जाएगी, ये दोनों हमारे पैरेलल में अटैच हैं, वापस से यहाँ से आके मीट करेगी, और इसमें भी जो हमारी करंट जाएगी ना वो जाएगी 0.25 एम्पियर। तो अगर इसका हमने वोल्टेज निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें जस्ट हम ओम्स लॉ लगा देंगे, काफ़ी फेमस लॉ होता है। तो अगर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात करें, इसमें हमने निकालना है PD अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। तो बाई ओम्स लॉ क्या होगा, बाई ओम्स लॉ है ना, ओम चचा की बात कर रहे हैं, ओम फू चचा की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो इसमें देखो जो वोल्टेज होगा इसका, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए, इन दोनों का वोल्टेज सेम होगा। अगर मैं इसमें V1 लेके चलूँ तो यहाँ पे भी वोल्टेज V1 होगा, और इसमें वोल्टेज अलग होगा, यहाँ पे वोल्टेज होगा इसका V2 वोल्टेज, या इसको हम बोले PD। तो जो V2 होगा हमारा, 4 ओम का हमने निकालना है, V2 हमारा होगा वो होगा IR। तो V=IR, ओम्स लॉ से हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो करंट है देखो यहाँ पे 0.25 है ना, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 4। तो इसको आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा 1 वोल्ट, करेक्ट है। तो एक तो हमने इसमें निकालना था कि जो हमारा PD अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर है वो क्या होगा, तो ये यहाँ से आ गया 1 वोल्ट। सेकेंड देखो बी पार्ट में हमने क्या निकालना है, कैलकुलेट PD अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका हमने क्या करना है, PD निकालना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, बाई ओम्स लॉ है ना। आप सोच रहे हो कि यार इतना छोटा छोटा कैसे आ रहा है, अब क्वेश्चन ही वैसा है तो क्या करें। तो अभी ओम्स लॉ में क्या होगा, देखो यहाँ पे इसका जो वोल्टेज है वो हमने निकालना है, इसमें जो करंट जा रही है ना वो सेम जा रही है 0.25 एम्पियर, यही करंट इसके अंदर भी जा रही है। तो इसका रेजिस्टेंस ये है, करंट ये जा रही है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा वो हम निकाल लेंगे। देखो वोल्टेज सपोज करो इसमें आ गया, इसमें हम V3 ले लेते हैं है ना। तो V3 जो इसका वोल्टेज होगा वो होगा करंट इंटू रजिस्टेंस। तो करंट है इसका 0.25 और रजिस्टेंस है इसका 3 है ना, यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.75 वोल्ट। काफ़ी आसान था और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में।